पाकिस्तान में टीवी किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं टीवी चैनल और उन टीवी चैनल से किस तरह पैसे बना सकते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने का सिर्फ एक तरीका है जो कि है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि उस टाइम पर न्यूज़ के ऊपर फोकस रहा और एंटरटेनमेंट के ऊपर फोकस नहीं रहा, तो अब एंटरटेनमेंट के लिए जगह खाली है। ये जो यूट्यूब और इस तरह की सर्विसेज थी, इससे एंटरटेनमेंट का एक पोटेंशियल बाहर आया। जब भी कोई नेटफ्लिक्स या इंडियन जी सिनेमा या कोई ग्रो करता है, तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्रीमियम कंटेंट। कोई भी अपना प्रीमियम कंटेंट यूट्यूब के ऊपर नहीं डालता अगर है पाकिस्तान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही बिकदरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, पाकिस्तान में आप अपना टीवी चैनल किस तरह से खोल सकते हैं और अगर आपका टीवी चैनल है तो पाकिस्तान में आप किस तरह अच्छे पैसे बना सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी आप किस तरह अच्छे पैसे बना सकते हैं, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है उस्मान मिनहास। उस्मान मिनहास इज करंटली वर्किंग एज ए डायरेक्टर टेक्निकल एट MHL। आज हम उस्मान से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में टीवी किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं टीवी चैनल और उन टीवी चैनल से किस तरह पैसे बना सकते हैं। आइए मिलते हैं उस्मान से। उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड ब्रदर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उस्मान, आई एम टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक एज वेल, और हर कोई बंदा चाहता है कि यार वो कोई ऐसा काम शुरू करे जिससे वो नज़र आए। और टीवी बनाना, मतलब टीवी चैनल बनाना, आई मीन इट्स अमेजिंग। तो हमें बताइए कि किस तरह से पाकिस्तान में टीवी चैनल जो है वो शुरू किया जा सकता है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवी चैनल जैसे आपने बताया कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, इस वक्त भी टीवी कंटेंट कंज्यूम करने की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। टीवी चैनल पाकिस्तान में स्टार्ट करने के लिए आपको मेजरली चार कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में पेमरा लाइसेंस देता है। लाइसेंस की दो टाइप्स हैं आपके पास, एक है सैटेलाइट टीवी लाइसेंस जिस तरह जियो है, ARY है, और दूसरा है लैंडिंग राइट चैनल जो आप बाहर से पाकिस्तान ला सकते हैं, जैसे कार्टून नेटवर्क, नेशनल ज्योग्राफिक जो इंटरनेशनल चैनल है पाकिस्तान आ सकते हैं। इन दोनों का लाइसेंस आपको पेमरा देता है। पहले आपके पास जब लाइसेंस आ जाए तो उसके बाद आपको कॉन्टेंट रेडी करना होता है। कंटेंट में आपके पास पहले से भी रेडी हो सकता है, आप प्रोक्योर भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, और आप ऐसा कंटेंट जो आपके लाइसेंस के साथ, लाइसेंस के डिफरेंट कैटेगरीज हैं, न्यूज़ है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, उसके साथ मैच करता है, वो कंटेंट आपको अपने पास रेडी करना। थर्ड इज़ आपके पास टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दैट्स वेयर आवर कंपनी कम्स इन, कि अगर आपके पास टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर या उस पर कैपेक्स आप नहीं लगाना चाहते, सो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको कि आप अपना पूरा कंटेंट, उसकी अपलिंक, उसकी वीडियो क्वालिटी, सब कुछ हमारे थ्रू मैनेज करें। एक मैनेज सर्विस ऑन क्लाउड मिल जाती है। एंड लास्ट पार्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन केबल ऑपरेटर्स के थ्रू होती है। सो आपके पास लाइसेंस आ गया, आपने कंटेंट बना लिया, कंटेंट को अपलिंक कर दिया, और उसके बाद सब केबल ऑपरेटर्स के थ्रू आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और घर घर आपका चैनल चला गया। तो इस तरह आप एक अपना चैनल बनाकर उसको घर तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान, हमने अक्सर ये देखा है कि लोग जो है ना चैनल्स बना लेते हैं और फिर चैनल्स आते हैं और चलते नहीं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। ये कंसिस्टेंसी जो है वो आपने किस तरह बरकरार रखनी होती है? सो टीवी चैनल्स जो हैं वो ऑब्वियसली किसी भी टीवी चैनल को रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना है ताकि वो नया कंटेंट बना सके। पाकिस्तान में इस वक्त रेवेन्यू जनरेट करने का सिर्फ एक तरीका है जो कि है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इस वक्त पाकिस्तान में 12 मिनट की अलाउ होती है एक घंटे में। एक टीवी चैनल को आप 12 मिनट से ज़्यादा नहीं चला सकते एज़ पर पेमरा रूल्स। आपके पास जब एडवर्टाइजमेंट आपने चलानी है तो वो आपको मिलेगी ऑन बेस ऑफ रेटिंग्स। सो आप सबसे पहले चैनल बना लिया, आपकी जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो रेटिंग देती हैं एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ को। उन रेटिंग्स की बेस पे आपका तय होता है कि इनका रेट क्या होगा और इनकी पोजीशनिंग क्या होगी, और इसी तरह चैनल जो है एडवर्टाइजमेंट से पैसे बनाता रहता है। ये पाकिस्तान का मॉडल है। सो देयर इज़ ओनली वन वे कि आप एडवर्टाइजमेंट से करवाएं। एडवर्टाइजमेंट दो तरीके से आती है, एक है प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट जो मीडिया बाइंग और इस तरह की कंपनीज देती हैं, और सेकंड इज़ गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंड करती हैं कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं, कैंपेन्स हैं, इलेक्शन कैंपेन्स हैं, वहाँ से गवर्नमेंट इनको जो है वो एक ऑफिशियल फंड देती है जिससे ये लोग पैसे बनाते हैं। सो दिस इज़ द वे हाउ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स मेक मनी।
वो टीवी चैनल्स पाकिस्तान में इस वक्त एनालॉग टीवी चैनल सिस्टम है, दैट मीन्स कि आप 70 टीवी चैनल्स में एक टाइम पे चला सकते हैं। इस वक्त लाइसेंसेज 120-130 के करीब हैं, सो आपके पास पहले जगह कम होती है कि आप ऑन एयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इन मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री। आपको उसके बाद अपना कंटेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना होता है, तो जितना आपका कंटेंट एक्टिव होगा जितनी आपको रेटिंग आएगी उसके हिसाब से आपका एक रेट बनेगा और आपका एडवर्टाइजमेंट आती रहेगी। सो दिस इज़ पाकिस्तानी मॉडल। इंटरनेशनल मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल मॉडल में इवन नेबरिंग कंट्रीज़ में और यूरोपियन कंट्रीज़ में टीवी चैनल को कंटेंट बनाने का एक रेवेन्यू सब्सक्राइबर से आता है। अगर सब्सक्राइबर 500 रुपये का पैकेज ले रहा है और उस पैकेज में आपका चैनल है तो उसका 5% 2% जो भी रेगुलेटरी बॉडी डिसाइड करेगी वो कंटेंट क्रिएटर को भी मिलेगा। सो इस तरह वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होता और इस तरह उसको एक रेगुलर रेवेन्यू स्ट्रीम आती रहती है कि अगर मेरा चैनल घर तक पहुँच रहा है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, तो मुझे उसका चंक ज़रूर मिलना चाहिए। सो इस तरह से वहाँ पर सस्टेन करना इजी है और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की बेस के ऊपर सस्टेन करना सब डिफिकल्ट है। सही। अच्छा, आप माशाल्लाह आप काफ़ी चैनल्स के साथ आप काम कर भी रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमें ये बताइएगा कि एक टाइम था लोग क्या करते थे, न्यूज़ चैनल्स की तरफ जाते थे और हर कोई कहता था हमने न्यूज़ चैनल खोलना है, आप इंटरटेनमेंट चैनल्स की तरफ आना शुरू हो गए हैं, ऐसा क्यों? सो न्यूज़ चैनल्स जो थे वो पाकिस्तान में एक सैचुरेटेड मार्केट हो गई है। मेजर जो प्लेयर्स हैं उन्होंने एक पोजीशन बना ली है, ऑथेंटिक सोर्सेज उनको समझा जाता है, तो उसमें इस वक्त पोजीशन बनाना मुश्किल काम है। क्योंकि उस टाइम पर न्यूज़ के ऊपर फोकस रहा और एंटरटेनमेंट के ऊपर फोकस नहीं रहा, तो अब एंटरटेनमेंट के लिए जगह खाली है और एंटरटेनमेंट को लॉन्च करना जो है वो कंपैरेटिवली ईजी है। न्यूज़ के लिए आपको हर वक्त फील्ड में लोग चाहिए, आपको DSNGs चाहिए, आपको डेली नया कंटेंट चाहिए, जबकि एंटरटेनमेंट जो है वो आपका एक ड्रामा अगर आप बनाते हैं एफर्ट आपकी लगती है, पैसा लगता है, लेकिन वो एक अच्छा टाइम आपका गुजार देता है। सेकेंडली ये जो YouTube और इस तरह की सर्विसेज थी, इससे एंटरटेनमेंट का एक पोटेंशियल बाहर आया। यहाँ पर लोग ज़्यादा एंटरटेनमेंट को देखते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज ड्रामास के ऊपर आते हैं, जिससे पता लगता है कि पाकिस्तानी व्यूअर्स जो हैं वो देखना चाहते हैं। इसी तरह हमारी प्रीवियस टाइम पे हमने देखा कि अर्तुगुल और इस तरह के जो ड्रामास आए उन्होंने भी एक स्पार्क दिया कि सिर्फ न्यूज़ कंटेंट नहीं चलेगा या सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट नहीं चलेगा, हमारी आवाम देख सकती है और देखना चाहती है एनी टाइप ऑफ पॉजिटिव कंटेंट। सो इसलिए इस वक्त एंटरटेनमेंट का भी एक बूम आया। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो OTTP जो हम बात कर रहे थे पहले, आप जब जैसे बता रहे थे नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ा बेहतरीन है, पाकिस्तान में हम बड़े टैलेंटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टैलेंट है, हम क्यों नहीं ऐसे वेब बेस्ड टाइप चैनल जो हैं वो पाकिस्तान में शुरू करते हो और आके हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो हम अपना लोकल कुछ इस तरह क्यों नहीं स्टार्ट करते? अब अभी आप जब हम मॉक सेशन करें तो आप बता रहे थे कि एक दो लोगों ने एक इनिशिएटिव भी लिया लेकिन उस तरह से वो कामयाब नहीं हुए, तो व्हाट इज़ द मेन रीज़न? सो दो मेन रीज़न्स हैं इसकी जो आई थिंक मेरी एक अपनी ओपिनियन है। सो पाकिस्तान में आई गेस OTT इस वजह से नहीं चल सका, मेरा अपना ओपिनियन है कि दुनिया ने एक एवोल्यूशन देखा है कंटेंट कंजम्पशन का। सबसे पहले एनालॉग टीवी था 80s में, उसके बाद 90s में डिजिटल आया। डिजिटल मींस आपको एक बॉक्स मिलेगा, आप पे करेंगे तो आपको चैनल देखने को मिलेंगे एंड यू कैन सेलेक्ट के मुझे कौन से चैनल देखने। थर्ड उसके बाद DTH आया कि आपने पूरे मुल्क के ऊपर DTH डायरेक्ट टू होम सर्विसेज लगाई, हर कोई अपनी डिश लगाकर देख सकता था। DTH के ऊपर भी आपने एक लोगों को आदत डाली कि आप पैसे देंगे, हर स्क्रीन के अलग पैसे देंगे। उसके बाद आपने IPTV इंट्रोड्यूस करवाया जिसने वीडियो ऑन डिमांड और ये सब देखा। IPTV के बाद अब OTT आया। सो यूज़र ने एक एवोल्यूशन देखा है 80s से अब तक कि कंटेंट कंज्यूम करने के लिए और ऑन डिमांड कंज्यूम करने के लिए मुझे कुछ पे करना। पाकिस्तान में इस वक्त ये सेंस नहीं है लोगों को, क्योंकि आपको फ्री में 300-400 रुपए में एक फुल स्पेक्ट्रम ऑफ चैनल्स मिल जाता है और आप वो फ्री में देखते हैं, मल्टीपल स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं। तो जब आप जाकर उनको बोलते हैं कि मुझे $4 $2 या कोई भी अमाउंट मुझे दी जाए और मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा, सो जब उनको TV पर फ्री मिल रहा है और YouTube पर फ्री मिल रहा है तो उनके पास कोई रीज़न नहीं है आपको देने का। इसमें एक चीज़ है कि जब भी कोई नेटफ्लिक्स या इंडियन जी सिनेमा या कोई ग्रो करता है सो बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्रीमियम कंटेंट। कोई भी अपना प्रीमियम कंटेंट YouTube के ऊपर नहीं डालता अदर एन पाकिस्तान। आपके जो TV ड्रामा चलता है वो 9 बजे चलने के बाद 10 बजे YouTube पे आ जाता है और फ्री में देखा जा सकता है, जबकि बाकी सब जो है वो अपनी मूवीज़ ड्रामाज जो है वो उधर नहीं डालते हैं, किसी कंटेंट टाइप पर डालते हैं। सो नेटफ्लिक्स एक बहुत पॉजिटिव काम कर रहा है, लेकिन इट टुक देम 15 to 20 years टू गेट हियर
और वही यूज़र को जो है वो आपने ट्रेन किया उसके माइंड को कि किस तरह कंटेंट को पे किया जाता है। पाकिस्तान में जिन्होंने काम किया है और अभी कर रही हैं कंपनीज, अच्छा काम कर रही हैं, ट्राई भी कर रही हैं, लेकिन क्योंकि रेवेन्यू पोटेंशियल नहीं है, सिर्फ टीवी चैनल के ऊपर आपको रेवेन्यू नहीं आता क्योंकि वो फ्री नज़र आ रहा है, आपको लाइव स्पोर्ट्स जो है वो ऑडियंस दे देती है। जब भी कोई इवेंट आता है, PSL या कप आता है, वर्ल्ड कप आता है, सो जो भी राइट्स लेता है उसको ऑडियंस आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो राइट्स ख़त्म होते हैं, वो इवेंट ख़त्म होता है, आपकी दोबारा डाउनलोड्स ख़त्म हो जाती है। एक प्लेटफॉर्म है जो डेली 1000 से 1300 डाउनलोड्स जो है वो कर रहा होता है, लेकिन जैसे कोई क्रिकेट मैच आ जाता है तो वो 10,000-20,000 पर भी चला जाता है, लेकिन जैसे वो ख़त्म होता है तो नीचे आ जाता है। दैट शोज़ के इतना इंटरेस्ट कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट कंटेंट को पे करके लेने का नहीं। अनदर पार्ट इज़ लोगों की बाइंग पावर। एक कैलकुलेशन है कि पाकिस्तान में 2 लाख तक यूज़र्स हैं नेटफ्लिक्स के, करीब 2 लाख यूज़र्स हैं। इसके ऊपर अगर कोई और लोग ये बाइंग पावर रखते कि 7-8-9 डॉलर दे सकते तो वो भी नेटफ्लिक्स यूज़र्स होते। सो इस वक्त आपके लोग लाइक $8 or $9 इस 2500 रुपया जो कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए सर्व करने पर नहीं रेडी। सेकेंडली, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी पीछे सपोर्ट नहीं करता है। आप जब भी स्ट्रीमिंग करते हैं तो आप पीछे बैंडविड्थ अपनी यूज़ कर रहे हैं, 4G की यूज़ कर रहे हैं, कहीं और के कर रहे हैं। सो ये सारे एलिमेंट्स मिलके इस चीज़ को बनाएंगे। जब आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, आप नया कंटेंट नहीं बना सकेंगे, नया कंटेंट अच्छा नहीं बन सकेगा, सो यूज़र जो है वो अनसब्सक्राइब करते चले जाएंगे और ये मार्केट जो है वो छोटी होती जाएगी। तो आई थिंक इसको थोड़ा एवोल्यूशन टाइम देना चाहिए। जो कंपनीज़ कर रही हैं, बड़े ग्रुप्स कर रहे हैं, वो अगर पुश करते रहें तो हम 2-4-5 साल में विल ऑल्सो बी देयर। सही। अच्छा उस्मान, आप ज़रा थोड़ा हमें बताइएगा कि MHL आप लोग एक्चुअली में क्या क्या काम कर रहे हैं? सो MHL इज़ अ ग्रुप कंपनी जिसकी मल्टीपल कंपनीज हैं, और जिसमें से 2 कंपनीज MHL और टेलीनेस्ट, उनके टेक्निकल को मैं हेड करता हूँ। टेलीनेस्ट जो है इज़ अ सैटेलाइट टेलीपोर्ट, इट इज़ पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली लाइसेंस सैटेलाइट टेलीपोर्ट। बाय दैट वी मीन कि हम ब्रॉडकास्टर्स को, जो टीवी चैनल्स हैं, OTT सर्विसेज देने वाले हैं, इंटरनेशनल चैनल्स जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनको एक मैनेज सर्विस देते हैं। सो आपके पास अगर कंटेंट है तो आपको एक पूरी इन्वेस्टमेंट करनी है अपने इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और फिर उसको 24 आवर्स मॉनिटर और ऑपरेट करने के लिए हम आपसे वो कॉस्ट जो है वो ऑपेक्स में लेते हैं, और आपकी ये सारी हेडेक जो है वो हमारे पास आ जाती है। ऑल यू नीड टू डू इज़ डेवलप कॉन्टेंट, ट्रांसफर इट टू अस, और हम ये पूरी चेन जो है आपकी केबल ऑपरेटर तक पहुँचाने की उसकी मैनेजमेंट करते हैं ऑन क्लाउड। सेकेंडली, जो MHL है वो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर बहुत डीपली काम कर रहा है। हमने एक गैप देखा, पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी सर्विसेज थी और ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनका पोटेंशियल था और वो बाहर से ख़रीदे जा रहे थे। हमने एक अपना सॉफ्टवेयर डिवीज़न बनाकर उसके ऊपर काम शुरू किया और कुछ बहुत अच्छे माइलस्टोन्स अचीव किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, MHL ने पाकिस्तान का सबसे एक्यूरेट उर्दू स्पीच टू टेक्स्ट इंजन बनाया। सो इंटरनेशनली इसके ऊपर काम नहीं हुआ था, आपको हिंदी लैंग्वेज के मिलते हैं, टर्किश के मिलते हैं, इवन गूगल ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था। सो वी क्लेम कि हम 90-95% एक्यूरेट उर्दू स्पीच टू टेक्स्ट इंग्लिश इंजन जो है वो हमने बनाया। इसी तरह और हमने मीडिया एनालिसिस के टूल्स बनाए हैं, हमारा क्योंकि मीडिया और टीवी चैनल से ताल्लुक़ है तो उनकी कैलिब्रेशन के टूल्स बनाए हैं। सो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स और टीवी चैनल्स की ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट, हम इसके ऊपर फोकस्ड काम करते हैं। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच उस्मान फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई मीन यू आर एन अमेजिंग स्पीकर, वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आए, कि दोस्तों उस्मान ने हमें बताया कि पाकिस्तान में किस तरह से आप टीवी चैनल्स को कामयाब कर सकते हैं। अक्सर औकात ये देखा गया है जो टीवी चैनल्स के जो मालिकान हैं वो ये कहते हैं यार कि ये मेरा टीवी चैनल नहीं चल रहा, रेटिंग नहीं आ रही, टेक्निकल इश्यूज़ हैं और बड़े मसले मसाइल हैं। उस्मान ने हमें बताया कि किस तरह से आप पाकिस्तान में पैसे भी कमा सकते हैं टीवी चैनल्स के थ्रू, और बाहर, जी हाँ, बाहर कंट्रीज़ में भी आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।